नमस्कार। आज हम बनाएंगे आंवले का मुरब्बा। मुरब्बा बनाने के लिए हम आंवला लेंगे। 250 ग्राम हमने आंवले लिए। इन्हें रात भर हमने पानी में भिगोकर रखा है। फिर सुबह हमने इसको कपड़े से अच्छी तरह से साफ किया है। इतना साफ करें ताकि इसमें पानी ना लगा रहे, नहीं तो ये ख़राब होने का डर है इनका। अब इसके अंदर फोक से छेद करेंगे। फोक लीजिए और अच्छी तरह से छेद कीजिए इसमें। इतनी अच्छी तरह कीजिए इसमें ताकि चाशनी अंदर चली जाए। इसके अंदर सभी के अंदर कर लीजिए इसी तरह से। अब एक बर्तन में इन्हीं सभी को रखिए। सभी आंवले डाल लीजिए इसी के अंदर। मुरब्बे को हम मिश्री में बनाएंगे। इसके लिए हम चीनी यूज नहीं करेंगे। हमने ये धागे वाली मिश्री ली है और इसको मिक्सी में पीस लिया है। इसका पीस के पाउडर बना लिया है, इसी में बनाएंगे। अब थोड़ा सा पानी डालिए। अब इनको पकने के लिए रख दीजिए। गैस को बिल्कुल स्लो करके चलाना है। इसको पकने दीजिए। इसमें हमने थोड़ा सा अदरक का रस डाला है। आप सौंठ हो तो आपके पास सौंठ भी डाल सकते हैं, और इलायची पाउडर। रस और इलायची पाउडर डालने से इनके अंदर कसेलापन नहीं आएगा, खाने में स्वाद आएगा इससे और स्वाद बढ़ेगा इससे। और इसको पकते रहने दीजिए। इसमें टाइम लगता है, बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए। अब ये बन चुके हैं। आप इसको जार में करके रखिए, पूरी सर्दी खाइए। आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं, साल भर इनको खा सकते हैं आप। इसकी थोड़ी सी चाशनी भी डाल दीजिए इसी में। अब बाकी चाशनी जो बच जाती है आप उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा बना के उसी में यूज़ कर सकते हैं। यह आंवला तैयार हो गया। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।